तो हे गाइस, यार कैसे हो तुम सभी लोग। जैसा कि हम जानते हैं, अभी स्मैकडाउन में जो भी हुआ, भाई जे ने जो है सेमी को पीट दिया है और वापस से ब्लड लाइन्स ज्वाइन कर लिया है। जे ने मैच करने वाले हैं जे वर्सेस सेमी स्मैकडाउन में। देखते हैं कौन जीतेगा। दोनों के पास एक एक फिनिशर है और ये नॉर्मल एक्सट्रीम रूल मैच है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैच स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ भी जे हरा देता है सेमी को या सेमी अपना बदला लेता है जे से। मैच चालू हो गया। जे ने आते ही हमला कर दिया। जे आता ही सेमी को पीट रहा है भाई, जैसे सेमी पीट रहा था अभी कुछ दिन पहले, वैसे यहाँ भी सेमी पीट रहा है। और जे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था पर सेमी ने पीट दिया पकड़ के। जाने नहीं देगा सेमी भी, अभी इस दिन मार खाया, बार बार मार नहीं खाएगा। सेमी भी पीट के रहेगा जे को। और यहाँ मदद करने के लिए ब्लड लाइन से कोई आएगा जे की मदद करने, जैसा ब्लड लाइन्स की हर बार होती है भाई। मतलब कोई ना कोई बचाने आ ही जाता है, बिना मदद के नहीं जीत पाती ब्लड लाइन कभी भी। तो यहाँ भी क्या वही होगा या फिर सेमी जीत जाएगा। फिलहाल तो अभी जो इंटरेस्टिंग आने वाला मैचेस होने वाले हैं WWE में, वो इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भाई कोडी रोड्स का मैच देखने के लिए रोमन के साथ। इधर ये जैसे जे और अभी हो सकता है कि जे उसो और सेमी जेन का भी एक मैच हो, क्योंकि जे ने पीट तो दिया है सेमी को, तो एक मैच हो सकता है इस तरह का। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करके बताओ यार, होगा कि नहीं, क्या लगता है? जे और सेमी का मैच होना चाहिए एक। अब यहाँ ओ ओ यहाँ भी जे भारी पड़ रहा है लगता है सेमी के ऊपर। टेबल वेबल तोड़ने की तैयारी लगता है जे की। यार ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। रो वैसे एक्सट्रीम रूल्स है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक फिनिशर है, नॉकआउट भी है ऑन है, याद रखना नॉकआउट ऑन है। तो अगर फिर ज़्यादा पीटा तो नॉकआउट भी हो जाएगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सेमी भारी पड़ा हुआ है। सेमी हेलवा किक लगाएगा क्या जे को? एक हेलवा किक तो बनता है भाई जे के मुंह पर। स्पाइन बस्टर तो लग गया भारी, पर अब रिंग के अंदर जाके लड़ो यार। तुम लोग रिंग के अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ जी, अंदर लेके जाओ उसको, ये सेमी अंदर लेके जाओ। दोनों ही अंदर जाने को यार मान ही नहीं रहे एकदम। भाई भाई भाई, इन दोनों की दुश्मनी ऐसी हुई ना अभी कि मतलब भाई जैसे पहले भाई भाई थे ये दोनों, पहले तो पसंद नहीं करता था जे सेमी को ना, फिर दोनों भाई भाई हो गए थे यार। फिर अभी जे फिर से उससे दूर हट चुका है, अब फिर से दुश्मनी है। अब मुझे ही लग रहा है कि शायद स्टोरी में कुछ ऐसा हो कि केविन ओवेंस और अपना सेमी जेन मिलकर हराए इन दोनों को, जे और जिमी को। तो शायद ये वाला दोनों का टाइटल जे और जे और जिमी का जो टाइटल है वो शायद सेमी का हो सकता है, सेमी और केविन ओवेंस का। अरे भाई रिंग के अंदर तो जाओ, कोने में क्यों लड़ रहे हो रिंग के बाहर जो इनसाइड में। दोनों ही गजब है, पर इस समय ना सेमी की हालत ख़राब कर दी है। जे देख सकते हो भाई एकदम डैमेज नहीं है, अब सेमी की देख लो यार, ये हेड डैमेज कर दिया, बॉडी डैमेज कर दिया, पैर भी डैमेज करने ही वाला है। और जे के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों हैं, सेमी के पास सिर्फ फिनिशर है। रिंग के अंदर जाऊँ भाई, अंदर मानो, अगर ऐसा चलता रहा तो सेमी नॉकआउट हो जाएगा आराम से और जे फिर से जीत जाएगा। रिवर्स हो गया, रिवर्स कर दिया सेमी ने। अब रिंग के अंदर जाओ सेमी, रिवर्स कर दिया है रिंग के अंदर। सेमी यार रिंग के अंदर जाने को मान ही नहीं रहा। ओ सेमी कुछ लेने गया, क्या लाता है सेमी देखते हैं। केंडो स्टिक, तो सेमी जेन केंडो स्टिक लेके आ गए और रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया जे ने, रिवर्स कर दिया। हाँ तो केंडो स्टिक पड़ता है अभी, डर्टी डीट डीडीटी दे दिया। उसो स्प्लैश, उसो स्प्लैश ले जाएगा क्या? नहीं जाया, नहीं जाएगा, नहीं गए उसे स्प्लैश के लिए। अब सेमी भी फिर बेचारा हालत ख़राब होते हुए। जे की हेल्थ देखो और उसकी बॉडी देखो, बिल्कुल भी डैमेज, लगता है खेल रहा है वो सेमी के साथ, ऐसा लग रहा है। जे अभी फिलहाल बहुत भारी पड़ रहा है सेमी के ऊपर, पर सेमी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा, रिवर्स कर रहा, फिर वापस से रिवर्सल हो जा रहा है। ये सुप्लेक्स अच्छा था पर हाँ बॉडी डैमेज कर दी। अब जे की भी बॉडी डैमेज है, येल्लो हो गई है, नहीं होने वाला, नहीं होगा, वन होने ही नहीं वाला था ना भाई। उसकी हेल्थ देखो ना, उसकी बॉडी देखो, और वहाँ उसकी देखो, सेमी की देखो भाई, सबसे ज़्यादा पिटा हुआ सेमी जेन ही है।
जे नहीं है, जे पीटा होता तो अभी तक खेल खत्म ना। अभी सेमी चढ़ गया है टॉप रोप पे, फ्लैश लगा दिया है, स्टंट जे सो 1 2 नहीं नहीं होगा, फ्लैश लगा दिया था पर कोई फायदा नहीं। कैंडलस्टिक वापस उठाने जा रहे क्या? सेमी चला बाहर, जे भी होश है, अभी भी फायदा हो सकता है सेमी को इसका। हैमर लेके आ गया और ये हैमर लग गया है, जे को हैमर लग गया है पर अब रिवर्स हो गया, कोई मतलब नहीं। जे के पास फिनिशर भी नहीं है, अभी सिग्नेचर है पर सुपर किक लगा सकता है। ओ सेट पर क्या फ़ायदा हुआ हैमर लेके आने का भी? वन नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। सेमी में भी जान है बंदा, पर सेमी की बॉडी और हेड दोनों ऑरेंज है, जे का बॉडी ऑरेंज हो गया। उसो स्प्लैश ले जा रहा है जे, उसो स्प्लैश लग गया, हो सकता है। 1 2 3 जीत गया जे उसे। वाओ यार, एक फिनिशर नहीं दिया सेमी ने, बस पिटता रहा और थोड़ा सा मार कर ख़त्म। तो जे उसे जीत चुका है डोमिनेट करके सेमी को। तो भाई ब्लड लाइन का पूरा मेंबर वफादारी अपनी प्रूव कर दिया ब्लड लाइन से जे ने, और वो ब्लड लाइन का मेंबर बना हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है आने वाले टाइम में मैच होगा सेमी और जे का? होना ही चाहिए यार, क्योंकि अभी जिस तरह की हाइप चल रही है ना, तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पॉपुलैरिटी के लिए। भाई जे वर्सेस सेमी जेन कौन नहीं देखना चाहेगा, सब देखना चाहेंगे यार। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। यार मैं और भी गेम्स की सीरीज़ लाने वाला हूँ भाई, मैंने स्ट्रे डाली है, जाकर देखो, अभी तक उसे देखी नहीं है तो स्ट्रे देखो। और भी गेम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत सारे गेम्स आएंगे, तो यार तुम्हारा सपोर्ट बनाए रखो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो यार। मैं देखता हूँ यार कुछ लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, तभी तो तुम्हारे भाई की रीच बढ़ेगी और तुम्हारा भाई आगे बढ़ेगा और आगे गेम्स हम बहुत कुछ लाएंगे आगे जाके। तर वीडियो लाइक करो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।